हमारा अर्थ 70% पानी से घिरा है और पानी में मेनी मेनी टाइप्स के फिश रहती हैं। समुद्र या नदियों में कुल 28,000 टाइप्स की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ खूंखार और खतरनाक भी होते हैं, जो काफी ज्यादा अटैक करते हैं, तो कुछ देखने में काफी ब्यूटीफुल भी होते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक और ब्यूटीफुल फिश के बारे में जानेंगे, वो भी 3D वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड एंजॉय द वीडियो विद MKSSP YouTube चैनल। फैक्ट नंबर 6, ऑक्टोपस फिश। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां बहुत ही जहरीली होती हैं, इतनी जहरीली कि अगर इंसान को एक बार काट ले तो उनकी मौत भी हो सकती है। ऑक्टोपस अपने आप को खतरे से बचाने के लिए अपने शरीर को सांप के आकार का भी बना सकती है। आप देख सकते हैं ये अपने शिकार के लिए कैसे छिपकर सिप में बैठा है और शिकार आते ही एकदम से उस पर झपट पड़ते हैं। '57 में दक्षिण कनाडा में एक विशाल ऑक्टोपस मिला था, जिसका वजन लगभग 270 केजी था और इसकी भुजाएं 5 मीटर लंबी थी। इसकी भी कुदरत ने क्या संरचना दी है, जो देखकर बिल्कुल हैरान कर देने वाली होती है। फैक्ट नंबर 5, वेल्स कैट फिश। वेल्स कैटफिश मध्य और पूर्वी यूरोप की एक बड़ी मछली है, जो मीठे पानी में रहती है। ये मछली 5 मीटर लंबी और 150 केजी से अधिक की हो सकती है। कैटफिश बहुत ही आक्रामक शिकारी होते हैं और इनकी एक खास बात यह है कि इनके मुंह में रेजर नुकीले दांत की रेखाएं होती हैं। कैटफिश का मुख्य भोजन छोटे मछलियाँ, मेढक और पानी के पक्षियाँ हैं। इस मछली की विशाल आकार और तेज दांत हमारे लिए गंभीर खतरा हो सकता है, इसलिए समुद्र के मछुआरे भी इस मछली से सावधान रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, बेरघिया कोइरुल्स कैंस फिश। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचना वाली मछली है। इसके शरीर का रंग सफेद होता है, जबकि सिरेटा हल्के पीले रंग की नोक वाला होता है। इसके सिर पर एक जोड़ी नारंगी निशान भी हो सकती है और इसकी लंबाई लगभग 70 mm तक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, रेड लायन फिश। यह एक विषैली प्रवृत्ति की मछली है। रेड लायन फिश अदर फिशेज से मिलती जुलती होती है, मगर इस पर सफेद पंख होते हैं और भूरी और रेड कलर की धारियां भी बनी होती हैं। इनके पंख फहरे हुए से होते हैं, जिससे देखने में ये काफी खूबसूरत भी लगते हैं। लेकिन इसे पंख बिल्कुल ना मानना, क्योंकि ये पंख नहीं बल्कि कांटेदार छलियां हैं, जो एक डंक मनुष्यों के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है और सांस लेने में कठिनाई भी पैदा कर सकता है। ये हमलावार मछली होती है। रेड लायन फिश इंडो पैसिफिक की रफिश और चट्टानी दरारों के मूल निवासी हैं। इनकी मैक्सिमम लंबाई 15 इंच तक बढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 2, बैरेलेई फिश। यह फिश देखने में आपको रियल फिश की तरह नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये ग्राफिक्स के माध्यम से डिजाइन किया हुआ फिश है, लेकिन यह फिश प्रकृति में अवेलेबल है और यह गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। इस मछली को चैपमैन नाम के एक जीव वैज्ञानिक ने 1939 में खोजा था। इसके बनावटी को देखा जाए तो आगे जो दिख रहा है वो आपको आंख लग रहा होगा, लेकिन यह आंख नहीं है बल्कि यह इसकी नाक है। 2004 तक वैज्ञानिक भी इसी धोखा में थे।
उसके बाद 2004 में पता चला कि इस मछली की पारदर्शी सिर में आँख होता है जो सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि किसी भी दिशा में देख सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस मछली की यही खास बात तो हैरान कर देने वाली में से एक है और इसी वजह से इसका नाम भी बेरेलेय फिश पड़ा है। इस मछली की आँखें अति संवेदनशील माना जाता है और इसमें एक हरे रंग का तरल पदार्थ भी होता है जो सबसे गहरी गहराई में हल्की प्रकाश को भी कैप्चर करने में सक्षम होता है। इसकी आँखें 800 मीटर दूर शिकार को भी देखने में मददगार साबित होती है। ये सच में कुदरत की एक बेहतरीन संरचना ही तो है। फैक्ट नंबर वन, पफर फिश। ये पफर फिश है जो कि कुदरत की एक अजीब संरचना वाली बेहद खूबसूरत दिखने वाली मछली है, लेकिन इसकी खूबसूरती के झांसे में मत आना दोस्तों, क्योंकि ये मछली जितने देखने में खूबसूरत लग रही है उतनी ही जहरीली भी होती है। इसमें टेट्रोडॉक्सिन नामक जानलेवा जहर पाया जाता है। यह जहर साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इस मछली की एक खास बात यह है कि पानी में ये तो किसी सामान्य मछली की तरह तैरती है, लेकिन जैसे उसे पानी से बाहर निकाला जाता है या इस पे किसी खतरे का आभास होता है तो उसका आकार बदल जाता है और वो गेंद की तरह गोल हो जाती है। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि इसे दोबारा पानी में डाला जाता है तो ये फिर मछली बन जाती है और किसी सामान्य मछली की तरह जैसे तैरने लगती है। ये फिश खाया भी जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक एक्सपीरियंसेड कारीगर की जरूरत पड़ती है, वरना जरा सी भी गलती होने पर लोगों की जाने तक जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग मछलियों की जानकारी का ये सफर खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अमेजिंग और खतरनाक जानवरों के साथ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।